देखिए इसे, ये फ्रंटफर्ट मशीन है, इस तरह की बत्ती आती है, इस बत्ती को फ्रंटफर्ट बत्ती बोलते हैं। आप इस बत्ती को इस तरह लगा सकते हैं, इसी तरह ये तीनों बत्तियाँ अलग अलग पोजीशन पे आप लगा सकते हैं। सेम ऐसे ही ये बत्तियाँ यहाँ पर लग जाती हैं, आप इनको हटा दीजिए, इसको हटा सकते हैं। इस तरह की मेटल बोर्ड आती हैं बत्तियाँ, आप उसको यहाँ पर फिट कर सकते हैं। मैं आपको इसको नीचे से दिखाता हूँ मशीन को कैसे कर सकते हैं। ऐसे इस तरह आप कोई सी बत्ती को लगा सकते हैं, और आप ये मेटल बाउंड बत्ती आपने लगा दी, हल्का सा आप इसको टाइट कर सकते हैं। ये इसका स्टैंड है खड़ा करने के लिए, साइड में पैर यहाँ पर, ये आपने इस तरह बत्ती इसको लगा ली है, इसको आप मशीन को खड़ा कर लीजिए। ये नीचे स्टैंड है, आप यहाँ से देख दिखा सकता हूँ मैं आपको, आप ये स्टैंड है, ये पैर दीजिएगा, यहाँ लग गया, जैसे ही आप उठाते हो स्टैंड फोल्ड हो जाता है, ये आपका यह लग गया। आप मशीन को लीजिए, आप मशीन को जमीन पर रख दिया। 20 लीटर का टैंक है, 20 लीटर का टैंक मशीन के अंदर ही, इसके अंदर फिक्स है। 3 बेल्ट का मशीन है, ए सेक्शन का मशीन है, ये ए सेक्शन बेल्ट का मशीन है, हाई फ्रेम मोटर है, शॉक प्रूफ मोटर है, मोटर और बॉडी के बीच में करंट प्रूफ प्लेट लगा हुआ है इसके अंदर। इसका जो आरपीएम है वो 450 आरपीएम की मशीन है, जो प्लेट घूम रही है ये 450 आरपीएम पे घूम रही है। जो इसका वेट है वो 120 किलो से 125 किलो के बीच में वेट है इसका। मैं आपको इसके पीछे का जैक दिखाता हूँ, ये इसका जैक है। ये इसलिए दिया गया है जैक कि आप रबड़ कपलिंग के अंदर जो बट्टी लगी हुई है उस बट्टी की मोटाई इस बट्टी की मोटाई जैसे जैसे कम होगी आप उस जैक को नीचे करोगे। ये इसके शू हैं, बुश कहलाते हैं, गाइड बुश। इस गाइड बुश के अंदर ये नायलॉन का बुश लगा हुआ है ताकि इस पर कभी जंग भी नहीं आएगा, और जंग आएगा तो ये जाम नहीं होगा। इसी तरह ये सील लगा हुआ है इसके अंदर कि ताकि ग्रीस की अवेलेबिलिटी इस हब के अंदर बनी रहे। ये बैलेंस प्लेट है, जब कभी इस मशीन, ये मशीन पूरी की पूरी फोल्डिंग है, नट बोल्ट पे बनी हुई है, अगर इसका बैलेंस बिगड़ जाता है तो आप बैलेंस बना सकते हैं। क्रॉस दिखाना, ये रहा, ये रहा बेटा, क्रॉस प्लेट, क्रॉस प्लेट, खाली क्रॉस। ये क्रॉस कपलिंग मशीन है, और एक रबड़ आती है, ये रबड़ कपलिंग में। मेरा सजेशन हमेशा है कि आप हमेशा रबड़ कपलिंग मशीन खरीदिए। रबड़ कपलिंग मशीन से आपकी फर्श की लेवलिंग बिल्कुल सीधी आएगी। क्रॉस कपलिंग मशीन सक्सेस फर्श, अच्छा फर्श, अच्छा लेवल का फर्श नहीं बनाती है। लोग बाग ज़्यादा तेजी से काम करने के चक्कर में इसका उपयोग करते हैं और सारे फर्श को इस तरह लहर करता हुआ फर्श बनाएंगे। अगर आपको फर्श देखना है तो एक फट्टी लेके फर्श के ऊपर रखिएगा, या पानी गिर लीजिएगा और एक वाइपर से खींचने की कोशिश कीजिएगा, आपको पता चलेगा आपके पूरे फर्श में लहर है। यहाँ इसका एक वोल्टेज मीटर लगा हुआ है, जैसे ही आप स्टार्ट करते हो आपको वोल्टेज पता चलेगी कि आपकी साइड पर वोल्टेज क्या आ रही है। अगर फर्श के ऊपर मशीन रखी हुई है और जैसे ही आप स्टार्ट करते हो मशीन स्टार्ट हो जाती है, तो उसका मतलब आपकी वोल्टेज प्रॉपर है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, और मशीन को उठा के चलाना पड़ जाएगा तो वोल्टेज कम आ रही है। वोल्टेज देखिए, जब फर्श के ऊपर चलाओगे तो मशीन स्टार्ट हो जानी चाहिए। मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ,
मशीन की बैलेंसिंग देखिए, मशीन ना लेफ्ट जा रही है ना राइट जा रही है। अगर आपको मशीन की बैलेंसिंग बनाए रखनी है तो आप जैक से बना सकते हैं। आपको मशीन लेफ्ट को जानी है तो लेफ्ट को ही जाएगी मशीन। मैं उसका प्रावधान भी दिखाता हूँ आपको। जैक को पीछे से करना ऊंचा, ये देखिए पीछे से जैक ऊंचा कर रहे हैं। अब ये मशीन आपके राइट हाथ पे जाएगी। आपने देखा ना, ये राइट हाथ को गई है। अब मैं आपको जैक को नीचे करके दिखाता हूं। जैक देखिए, नीचे करके देखिए, अब ये देखिए मशीन को स्टार्ट कर रहा हूं। अब मैंने जैक नीचे किया, अब ये मशीन मेरी तरफ को भागेगी। जो लोग अक्सर ये कहते हैं कि जैक उठाने से कटाई हो रही है, वो सरासर गलत है। वो गलत लोग गलत प्रचार कर रहे हैं इस चीज का। जैक सिर्फ और सिर्फ बना है बट्टी की घिसने के हिसाब से मशीन का लेवल बनाने के लिए, ना कि उस पीछे का लोड कह रहे हैं आगे आ गया। इस काम के लिए मशीन का लोड नहीं आया है। इसके आगे का लोड जो है वो 55 किलो वेट है, 55 केजी वेट है। इसके यहाँ पर कांटा लगाइए, एक इंची हवा में उठाइए, वेट आगे का पता चल जाएगा आपको कि आगे लोड क्या है इसका। अब जैक को लेवल में कर दीजिए, बट्टी और मशीन के पीछे का लेवल बराबर आएगा। मशीन की बैलेंसिंग परफेक्ट है, आपका जो आदमी है वो थकेगा नहीं, उसकी बाजुएं नहीं भरेंगी। जैक को लेवल में कर दो। देखिए अब मैंने लेवल कर दिया है, अब ये देखिए आरपीएम आप देख सकते हो 450 आरपीएम, 450 आरपीएम की मशीन है ये। आप लोग जो पूछते हैं चार बेल्ट की पांच बेल्ट की, बेल्ट से मशीन की परफॉर्मेंस का कोई अंतर नहीं है। आप मशीन की पूछिए कि आरपीएम क्या है इस मशीन के, आरपीएम है 450 आरपीएम पर मिनट। मशीन आरपीएम पे चल रही है, प्लेट नीचे वर्किंग करेगी आरपीएम से करेगी। अगर जो जितनी भी मार्केट में लोकल मशीन मिलती है वो 300 आरपीएम की 325 आरपीएम की मशीन है, जो आपकी लेवर ऑफ कॉस्ट बढ़ाती है। ये मशीन डेली अगर आपका 25 से 30 फुट काम फालतू करती है तो ये मशीन महीने में 1500 से 2000 रुपए लेवर ऑफ कॉस्ट बचाती है आपकी। ये मशीन अपनी कीमत को एक साल के अंदर आपकी लेवर ऑफ कॉस्ट से निकाल के दे देती है। ये एचआर की शीट है, पूरी मशीन 00 बैलेंस पे बनी हुई है, डाई मेक मशीन है ये। आप एक आदमी को वाटर घेरने के लिए पानी डालने के लिए एक मशीन आदमी लेते हैं जो पानी डालता रहता भट्टी में, उसको डालने की जरूरत नहीं है। आपने 20 लीटर पानी यहाँ डाल दिया है, आपके पास यहाँ टूटी है, आपने यहाँ टूटी कंट्रोल कर रहे हो, सिंगल आदमी चला रहा है इसको, तो आपकी एक लेवर ऑफ कॉस्ट जो पानी डालने वाली थी वो बच रही है आपके पास। 20 लीटर का टैंक है इसके अंदर पानी का। गर्ग मशीन के नाम की मार्केट में बहुत डुप्लीकेट मशीनें बिक रही हैं, स्टिकर लगाकर बेच रहे हैं लोग बाग मशीन को। गर्ग मशीन की सबसे बड़ी पहचान है, मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप नोट के अंदर ओरिजिनल और नकली नोट को पहचानते हो, इसी तरह आप मशीन को पहचान सकते हो। गर्ग मशीन की पहचान है इसका जो हैंडल है, हैंडल के ऊपर गर्ग लिखा हुआ है। इसके अंदर पीले रंग का टैंक है, प्लास्टिक का टैंक है, फाइबर ग्लास का टैंक नहीं है, ये पीवीसी का टैंक है, प्लास्टिक टैंक है। इस टैंक पे बकायदा गर्ग मशीन इम्बोज है, इसकी मोटर के ऊपर इम्बोज है। गर्ग मशीन की जो प्लेट लगी हुई है उस प्लेट पर गर्ग मशीन उभरा हुआ है, इसके ऊपर फोटो आती है कंपनी ओनर्स की। इसके व्हील्स के ऊपर
गर्ग मशीन्स इम्बोज है, इसके व्हील्स कैप पर इम्बोज है, इसकी ऑयल सील के ऊपर गर्ग मशीन्स लिखा हुआ है, इसकी पीछे की जो प्लेट है वो प्लास्टिक की बनी हुई है ताकि कोई करंट ना लगे, उस पर गर्ग मशीन्स लिखा हुआ है। इसके पीछे के इसका जो स्विच है, स्विच के ऊपर गर्ग मशीन्स लिखा हुआ है, स्विच की नोब पर गर्ग लिखा हुआ है, इसकी नेम प्लेट के ऊपर गर्ग लिखा हुआ है। देने एक छोटे देने के लिए। इवन इसका जो शू है उस पर गर्ग लिखा हुआ है, हब देना हब जैक हब। इसके अंदर जो मैन हब लगा हुआ है उसमें गर्ग मशीन्स लिखा हुआ है। कपलिंग देखो, देखिए सर इस कपलिंग के ऊपर भी गर्ग मशीन्स लिखा हुआ है। एक एक पार्ट कंपनी अपना बनाती है, ऑयल सील ले लो, इस पर बकायदा गर्ग मशीन्स लिखा हुआ है, इसके हर पार्ट पर एक कंपनी का एम्बॉस नजर आएगा।